देख मैं जोड़ रहा हूँ तेरे साथ, मेरे लिए टाइम ना हो ना तो पे तो गुरु यू अरे झूठे तो रहने जब तक मम्मी की कसम जब तक माइंड वॉश कर रहा हूँ भाई का, तू कैमरे के भाईचारा दिखाओ, तो एक काम करते भाईचारा ही खत्म कर देते ना कैमरे पे ना साड़ा ऑफ कैमरा, हमारा हक हो गया वॉइस पे, ये तो अब बोलेगा इसको पकड़ लेना करना बोले तो, मतलब ये इनह्यूमन चीज है। दोस्तों आप जानते होंगे कि एलवीएस यादव लव कटारिया का भाईचारा हर जगह देखने को मिलता है, पर हाल ही में कुछ ऐसा सामने आया जो आपको भी हैरान कर देगा। मतलब कि क्या एलवीएस यादव लव कटारिया का भाईचारा केवल हमें ऑन कैमरा ही देखने को मिलता है, ऑफ कैमरा कुछ और ही सीन होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एलवीएस यादव ने जो व्लॉग अपलोड किया है उसमें लव कटारिया नूप चहल को कहते हैं कि जितना भाईचारा भी दिखाते हो उतना ही भाईचारा ऑफ कैमरा भी दिखा दो, तो ये चीज पर एलवीएस यादव क्या कहे आप भी देखिए। भाई अगले आदमी पे टाइम ना, मेरे नहीं कटारिया पे मेरे लिए टाइम ना भाई, भाई देखा तो अभी देंगे भाई गर्लफ्रेंड का चक्कर ही ऐसा होता भाई साहब। अरे भाई रियल में अपने वैसे मस्त रहे मैं। भाई एक चीज बता, यहाँ पे टाइम ना मेरे निया की पॉडकास्ट दे सके बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ भाई सही बात है, पॉडकास्ट देने का टाइम नहीं है वैसे कटा। मैं तो देखो क्या ही कमेंट करूँ इस पे, अब भी हाँ भर देते, खैर सुन अब तो लेने ना भाई। भाई ये तो फिर सीरियस बात हो गई। ना बात है कर दें दे, कर कितनी कर ले भाई, सुन तू कितनी कर ले, कितनी नौटंकी कर लेना होगा, नकली फोन पे बात लगा के अपन आप बिजी दिखा रहे हो सच में। और मैंने तो देख लो कॉल चल रहा है पहली बात तो ठीक है, तुम भाई तुम जा कॉल खत्म होने दो फिर बताऊंगा तुम्हें। तू कुछ ना बता सके मोर रियल में भाई क्या हो गया, नशा वशा करके आए हैं क्या आज, कुछ बीएलवीआर पी के आया, बदतमीजी कर रहे हैं जब से। अगर ज्यादा अनूप के बारे में कोई ऐसे बता देगा ना दिन ये लगोएंगे ना भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूं दो बाड़क क्या बैठ के आज जो भड़का रहे हैं रिश्तेदारी तोड़ दी भाई, हमने एक बार भी कही आपसे कि ये कहो इसको ना, अरे झूठे तो रहने जब तक मम्मी की कसम, मम्मी की कसम जब तक माइंड वॉश कर रहा हूं भाई का, तू बहुत बुरी लगी है कई बात भाई, दिल में दिमाग में अटक गई भाई। भाई बताना भाई कौन सी धंधे की कसम, मैंने ऐसी कोई बात बोली नहीं, मम्मी की कसम भाई तूने बोली नहीं, अगले को अगले का लगना भी तेरे ऊपर, कसम खाई है ना यानी कसम खाई है, हर बात के लिए कसम उठावे कटारिया, अरे भाई झूठा आदमी कसम ज्यादा ठाए कर कटारिया असली रूप में, सच्ची बता रहा हूँ भाई, देख देख मैं जोड़ रहा हूँ तेरे साथ, मेरे लिए टाइम ना हो ना तो पे तो गुरु यू इतना भाईचारा बिना कैमरे के भी दिखा दे करो दोनों। अच्छा ठीक है भाई, भाईचारा तो सबने देख लिया जब तू भीतर रहो बेटा, जो अपने मन में फन्ने का बने ना उनसे सीधी बात करेगा, वो कटारी भाई है अपना, कैसे भी आ जाओ कैसे और भाई भाई है तो भाई है भाई इसे क्या पता बिग बॉस में जब जाए पीछे क्या हमारा भाईचारा क्या है, अनु करा बिना कैमरे के भाईचारा दिखाओ, तो एक काम करते भाईचारा ही खत्म कर देते ना कैमरे पे ना साड़ा ऑफ कैमरा, बता भाई भाई मैं तो हर तरीका तैयार हूं, आज ताना मिल रहा हमें कि कैमरे के लिए भाईचारा, तो हमारे आगे तो ना था तू बिग बॉस में तब क्यों सपोर्ट कर रहे थे भाई बताना, सेम गोस फॉर मी आल्सो, क्या गोस भाई, अरे ओल्सो पोल्सो छोटा सीधी बात कर, ओल्सो पोल्सो भाई सीधी बता, अब करनी कैसे है, ये गलत कर रहे हो तुम तो भाई मेरे साथ गलत कर भाई, मैंने गलत ना करा, अरे तो सीधी सी हां भर के खत्म करना, क्या मैं तो हां भर ये बोल, मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूं अनूप जी का पॉडकास्ट देना रेडी हूं मैं, बता मैं तो रेडी हूं यार तुम्हारा पॉडकास्ट देने के, भाई ये जब तेरी रेडी है बहुत बड़ी डेट 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 बता दे भाई, अभी ले जाओ इसे अभी ले जाओ, सुनो डेट बता दे बताई ना धारी, तो इस चीज की वजह से कटारिया को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा और ये वीडियो शेयर किए गए जहाँ कटारिया की बिग बॉस में एंट्री होने पर एलवीएस यादव की टीम कितनी खुश हुई थी और काफी एक्साइटेड भी थी, और जब साई केतन की कटारिया से अनबन हुई थी और नेजी की भी फाइट हुई थी तभी एलवीएस यादव की टीम ने कटारिया का पूरा पूरा साथ दिया था, तो कमेंट्स में लोग कहने लगे बस ऐसा ही है एलवीएस गिनवाता नहीं है उसने क्या किया है, क्योंकि उसे पता है भाईचारे में बातें गिनवाई नहीं जाती, पर सामने वाला ऐसा नहीं है ये समझ नहीं पा रहा, एलवीएस फीलिंग सैड फॉर हिम 104 बुखार पर भी मीटअप किया, नेक्स्ट यूजर ने लिखा और करो सब कट्टू को सपोर्ट, एक और यूजर ने लिखा रणवीर साई को धमकी विशाल मेरे कटारिया को धोखा मत देना, सना से उम्मीद नहीं थी कि कटारिया को धोखा देगी, अदनान को कि मैनेजर नहीं मेरा फैमिली है, काशी में कटारिया के लिए पूजा बीबी के अगेंस्ट बोलना, फैजू से डिबेट, अनिल कपूर से डिबेट, बदले में थैंक यू की जगह फेक, साथ ही आप लोग जानते होंगे कि जब ईडी की एलवीएस यादव से पूछताछ हुई उस दिन मीडिया वाले एलवीएस के साथ ठीक बिहेव नहीं किए थे, तो चीज को लेकर भी एलवीएस यादव रिप्लाई किए और कुछ ये कहे आप देखिए, और हम उस चीज को सच मान लेते थे कि न्यूज वालों ने दिखाया सच होगा, मतलब ये सबकी एक थिंकिंग होगी पहले टाइम पे, न्यूज में ये आ रहा है जी वो ऐसे हो गया वो उसके घर में ये हो गया है, वो पुलिस ने पकड़ लिया है, इसका मर्डर हो गया है, ये नहीं हो, जो भी पहले चलती थी न्यूज हम बिलीव करते थे वाह न्यूज चैनल हमको न्यूज दे रहे हैं आके हर चीज की, तो हम अवेयर हैं, थोड़े टाइम तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि भाई न्यूज़ में जो दिखाते हैं वो सही दिखाते हैं, देखो आई एम नॉट डिसिंग एवरी न्यूज़ चैनल, सब अलग अपना प्रोपोगंडा चलाते हैं, बट
आजकल की जो रियलिटी है मैं बताता हूँ कि इंडियन मीडिया मतलब इंडिया न्यूज इंडियन न्यूज चैनल्स एंटरटेनिंग चैनल से ज़्यादा भाई और कुछ नहीं है। मिर्च मसाला साजिशें TRPs, क्योंकि आज के न्यूज़ चैनल्स का काम न्यूज़ दिखाना नहीं, उनका काम है अपनी चैनल की TRP बढ़ाना, चाहे उनको कुछ भी बोलना पड़े। आज की तारीख में वही जज हैं, वही पुलिस वाले हैं, वही वकील है, वही डॉक्टर है, वही सब कुछ वही है भाई। तो न्यूज़ वालों ने एक तरफा कर रखा है कि सब चीज़ वही करेंगे, हर चीज़ का राइट है उनके पास। अगर कोई आदमी आ गया आपके पास माइक लेके, हम मीडिया से, भाई मेरी मर्जी भाई ना बोलूं, मीडिया से है, अगर आप मीडिया से हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको कोई राइट मिल गया है ना, कि राइट मिल गया कि भाई मीडिया से चलो भाई शुरू हो जाओ बोलो भाई, नहीं भाई नहीं बोलना अगले को, हमारा ह्यूमन राइट है भाई, सब पे अपने राइट्स होते हैं, नहीं बोलना। मैं 8 घंटे अंदर था, उसके बाद देवर प्लानिंग, एक क्लिप देखी होगी आपने मेरे ट्विटर पे, आप फिर एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें कह रहे थे इसको पकड़ लेना आगे ना जाने पाए नीचे से, मतलब ये आजकल की मीडिया है, मतलब दे थिंक लाइक कि हमारा हक हो गया वॉइस पे, ये तो अब बोलेगा इसको पकड़ लेना करना बोले तो, मतलब ये इनह्यूमन चीज़ है। मतलब आप, मैं किसी इंसान को कहला भाई पकड़ लेना साले बुलवाएंगे इससे, ये भाई द हेल भाई, मेरा ह्यूमन राइट है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ उस चीज़ की कि मेरे को जो मन करेगा मैं बोलूँगा, जिस चीज़ का जवाब नहीं देना मेरे को नहीं देना, मेरे को मीडिया फेस करनी नहीं फेस करनी तो नहीं करूँगा भाई। मेरे ऊपर किसी की ज़बरदस्ती थोड़ी है कि मीडिया आ रही है तो मेरे को जवाब देना इज नेसेसरी। बहुत सारे मीडिया चैनल्स चला रहे हैं, एलविश यादव ने ये क्या, अरे एलविश यादव भैया तुम देखो ना तुम क्या कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं दीपक कलाल पुणे सुपरस्टार और थाराबाई जोगिंदर की। जब कुछ टाइम पहले तीनों लाइव आए हुए थे तब दीपक कलाल ने जोगिंदर की बहन को कुछ गलत बोल दिया था और गाली वगैरह दी थी, तो ये चीज को लेकर जोगिंदर को भी गुस्सा आया। तो हाल ही में जोगिंदर दीपक कलाल से मिले और सॉरी बुलवाए और क्या कुछ कहे आप देखिए। तुम्हारा दीपक कलाल, तूने बहुत गाली बकी मेरे को सोशल मीडिया के अंदर, अब गाली बक के दिखा मेरे सामने, देख मत मेरे को, सॉरी बोल, मैं डिप्रेशन में हूं, सॉरी बोल दे, तू पता मेरा, तूने मेरी बहन की गाली की सॉरी बोल दे, मैं कुछ नहीं बोल रहा तेरे को, सॉरी बोल दे, सॉरी। आज के बाद कभी भी जिंदगी में बहन की गाली नहीं देगा, कभी जिंदगी में बहन, मैं बोल रहा हूं हवाबाजी निकाल दूंगा नहीं तो इसकी, इसने बहन की गाली दी थी मेरे को, और हर बहन बेटे की इज्जत करनी है, जोगिंदर की बहन मेरी बहन है, ये तुमने गाली दी है ना, इसका तेरे को हरजाना बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ता है, तू सॉरी बोल दे, सॉरी बोल दे आगे मेरे को, अब क्या हो गया, एक लड़की को गाली दी है तूने, नई नई छोटी सी 20 साल की लड़की को, और ये आवाजी करता भाई, यहाँ खुल्लाम यहाँ दारू दूरू पीता है, अरे आज के बाद सोच समझे, किसी को भी समझ के बहन के बारे में, किसी भी लड़की के बारे में गलत मत बोला, ये तो तुझे पकड़ लिया थारा भाई जोगिंदर और मैंने रंगे हाथों, और ये तो तू ये तो तू दारू की बोतल पी रहा है, ये तो माँ बहनों को गालियां देता है दारू की बोतल पी के, तू बच गया, भाई वीडियो शेयर करने के बाद ये बैठा हो, आज ये गाली बकेगा, मैं आज वीडियो शेयर कर, सॉरी बोल दे, थारा भाई जोगिंदर की बहन को सॉरी बोलता हूँ मैं, कान पकड़ के, ठीक है, मैं थारा भाई जोगिंदर की बहन सॉरी कहता हूं, और आज के बाद महिला का सम्मान करूंगा, और आज के बाद में महिला का सम्मान करूंगा। कमेंट्स में लोग ये कहने लगे, स्क्रिप्ट राइटर दीपक कलाल, फ्लॉप एक्टर्स जोगिंदर एंड पुनीत, लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीच बीच में पुनीत सुपरस्टार हंस रहे थे। एंड द नेक्स्ट अपडेट में मनोज दी का आईफोन चोरी हो गया, बेसिकली जब वो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तभी उनका आईफोन चोर लेकर भाग जाता है, तो इस चीज को लेकर मनोज दी को काफी हेट मिलने लगा कि चोर तुम्हारा आईफोन कैसे ले गया, तो इस चीज को लेकर मनोज दी को हेट मिलने लगी कि चोर तुम्हारा आईफोन ले गया, तो एक क्लिप कैसा है फिर, तो इस चीज पर प्रॉपर रिप्लाई देते हुए मनोज दी क्या कहे आप देखिए। गाँव ठीक है, और गाँव में आया था तो सोचा एक ब्लॉग बना लेते हैं, अभी जो देख रहे ये रोड मेरे मार्केट का ही है, पहले मैं यहीं पे रहा करता था, अभी तो भाई धनबाद शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है घर उर बना लिए तो धनबाद शिफ्ट हो गए। भाई ब्लॉग बना रहा था भाई, क्या ही बताएं, अभी जस्ट पीछे से दो लड़का आ रहा, मेरा आईफोन लेके भाग गया भाई, इतना महंगा फोन, 1,80,000 का फोन भाई, कौन था यार, देखो सीधा चल ही गया भाई, वो देखो देखो स्कूटी से जा रहा है ना, अरे यार हेमंत वगैरह को फोन करना पड़ेगा, नंबर भी नहीं देख पाए, इतना स्पीड में भाग गया, यार चोर का गजब है एकदम, बताइए वीडियो बना रहे थे आप लोगों सामने देखे कैसे लेकर भाग गया, तुरंत फोन एकदम छीन करके हाथ से, पता ना कि सीधे उंगली से जब घी ना निकले तो टेढ़ा करना पड़े, तो ये वीडियो जो स्टार्टिंग में आपने क्लिप दिखाया ना उससे मैंने आप लोगों को एक सीख दिया है, करना क्या पता है, ट्रेवल ब्लॉग वगैरह जब करते हैं ना तो कभी कभी स्क्रिप्टेड बना दीजिए, पब्लिक नहीं देखने आ रहा है आपको कि आप सही में दिखाएं कि गलत दिखाएं, अपने ही दो दोस्त को जुगाड़ कीजिए और बोलिए फोन लेके भाग जाओ, और स्टार्टिंग में बोलिए मेरा फोन चोरी हो गया, आपको देखने आ रहा क्या, ना वो आप पे FIR करेगा, केस करेगा कि आपका फोन चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना, और ना आपका वो घर चला देगा, और पब्लिक को वहीं देखने में मजा आता है, आप लोग देखना UK07 जानते हैं ना अनुराग दोवाल, कैसे ग्रो किया अपना चैनल,
पता है आप लोगों को, ग्रो उसने ऐसे ही किया था हमेशा। वो क्या करता था, बाइक लेके जाता था, पुलिस पकड़ लेता था। और देखिएगा पुलिस जब पकड़ता है, पुलिस रोकता है ना, तो वैसा ब्लॉग बहुत वायरल होता है। एंड द नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं बादशाह और हनी सिंह की। तो हाल ही में दोनों सेलिब्रिटी का कंट्रोवर्सी चल रहा है, पर अभी तक दोनों की तरफ से कोई भी डिस्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिला। तो चीज को लेकर थकेश क्या कुछ कहे आप देखिए। लिरिक्स, म्यूजिक, कंपोजिशन सब 2 घंटे में खत्म कर दिया और अपना करियर भी। अगर आपको नहीं पता, जो कि ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, हनी सिंह बादशाह का बीफ बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से, मतलब वो बीफ अभी बास मार रहा है, इतना सड़ गया वो बीफ। वो रोल्स रॉयस वाला मेरे बचपन में बोला था हनी सिंह ने, अभी तक चल रहा है, खत्म करो भाई। हाउ डू यू लुक एट इट? वन लास्ट रैप वी विल डू। रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। हनी सिंह ने ये भी कहा कि बादशाह को टैलेंट की वजह से पिक नहीं किया, बल्कि उनके पिताजी बहुत बड़े अफसर थे इसलिए, और उन्होंने हनी सिंह को पैसे दिए थे इसलिए पिक किया। देखो बादशाह भाई, टाइम पे पेमेंट क्लियर कर देते तो ऐसा नहीं होता, फिर तारीफ ही होएगा ऐसा हर जगह पे। नेक्स्ट है आदित्य व्यास, क्या बादशाह रफ्तार के साथ कोलैब होगा कभी? अरे उनकी ऐसी किस्मत कहाँ यार। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बादशाह से नाराज नहीं हूँ, बिकॉज नाराज तो अपनों से होते हैं, क्लाइंट से नहीं। In some cases, yeah. जब ही क्लाइंट को मीडिया के सामने नैनो बोला था तभी ट्रक है वो। मजा तब आएगा जब बादशाह ये दोनों एक दूसरे पे डिश डाले, प्रॉपर सड़े हुए डिश डाले एक दूसरे पे, तभी मजा आएगा ना। एक अब तक एमीवे और इनका रेसिज्म देखे, हम लोग काला बोल रहे हैं, कोई कौवा बोल रहे हैं। रफ्तार ने ज्यादा डिस किया है बादशाह से, फिर भी बादशाह का डिस ज्यादा बुरा लगा हनी सिंह को। जैसे उनके गाने आ रहे हैं आजकल एकदम, वो भी उनको बोलने का जरूरत नहीं इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट आर्टिस्ट है हनी सिंह, नहीं सिर्फ अल्कोहल डिपेंडेंट आर्टिस्ट ओनली। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।